हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये देखो, ठंड का सीजन आ चुका है और आ गई है बढ़िया बढ़िया गाजर। और अब हम बनाएंगे गाजर का हलवा। लेकिन गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाजर को कद्दूकस करना। तो मेरे पास ये चॉपर है, मैंने सारी गाजर काट काट के इसमें डाल दी और ये चॉप हो गई। और एक तरफ मैंने दूध रख दिया है उबलने के लिए। ये दूध उबलेगा, इसके अंदर मैं गाजर डाल दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे भी मैं आपको दिखाती रहूंगी वीडियो, ठीक है, जैसे जैसे हलवा तैयार होगा। ये देखिए, इस तरीके से काट काट के मैं गाजर को इसमें डाल दूंगी और ये महीन चॉप हो जाएगी। तो कद्दूकस करने की जो एक टेंशन होती है ना, ये गाजर का हलवा बनाने के लिए टेंशन ये रहती है कि कद्दूकस कैसे होगा। तो ये कद्दूकस वाली जो प्रॉब्लम है, इन मशीनों ने सॉल्व कर दी है। आपको कद्दूकस करने की जरूरत नहीं है, आप बस गाजर इस तरीके से काट के इसमें डाल दीजिए और आपकी गाजर जो है वो हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, सारी गाजर काट के मैंने इसमें डाल दी। और जो उसका येलो येलो पार्ट है ना, सब कहते हैं कि अनहेल्दी होता है या जो भी है, मैंने ये निकाल दिया है। सिर्फ गाजर गाजर मैंने इसके अंदर डाली और मैं इसे अब चॉप करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये गाजर मेरी चॉप हो रही है। शायद तुम्हें आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि मशीन चल रही है, लेकिन गाजर इजीली इसके अंदर अच्छे से चॉप हो जाएगी, बिल्कुल महीन गाजर के हलवे के लायक। ये देखिए फ्रेंड, बिल्कुल बारीक चॉप हो गई है, जैसे लग रहा है कि कद्दूकस किया है हमने बिना मेहनत के। देखिए फ्रेंड, ये मेरी सारी गाजर जो है चॉप हो गई है, बिल्कुल बारीक चॉप हुई है, कद्दूकस से भी अच्छी। और ये सारी गाजर, ये कम से कम होगी 2 किलो के करीबन गाजर है और 1.5 किलो के करीबन मेरा गाय का दूध है, फुल क्रीम दूध है, सॉरी गाय का नहीं है, ये वाला फुल क्रीम दूध है जिसके अंदर मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ, जिससे कि बच्चे आराम से 3-4 दिन खूब उसे गर्म कर करके खा ले। क्योंकि ये चीजें रोज रोज तो बनती नहीं है, कभी कभी बनती है, तो इतना तो बन जाए कि 2-4 दिन आराम से बच्चे खाए और सर्दियों के मजे लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरी सारी गाजर जो है चॉप हो गई है और मैंने इसको दूध के पतीले में डाल दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है ये फ्रेंड, मेरा गाजर का हलवा अभी दूध में इतना पक चुका है, ऑलमोस्ट दूध कम हो गया, आधा हो गया है, तो मेरा गाजर का हलवा दूध में पक रहा है। देखो फ्रेंड, ये मेरा ऑलमोस्ट हलवा रेडी हो गया है, थोड़ा बहुत ही दूध रह रहा है, ये जल जाएगा, ऑलमोस्ट रेडी हो गया। और ये खोया है, खोया ये जो मैंने घी बनाया था तो उसके नीचे जो बच जाता है ये वो खोया है, और ये मैं हलवे में डाल दूंगी। ये बहुत टेस्टी लगता है इसके अंदर जब कभी, अभी तो गाजर का सीज़न है तो मैं गाजर में भी कर रही हूँ, क्योंकि देखिए उसके अंदर बहुत सारा घी होता है और ये बहुत हेल्दी होता है बाजार के खोए से। ठीक है, तो ये इसके अंदर डाल दूंगी मैं, तो इससे इसका टेस्ट जो और ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, फाइनल लुक मेरे हलवे का, और ये प्योर घर की चीज़ों से बना है तो हेल्दी भी है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। एक हाउसवाइफ भी कुछ कर सकती है, बट उसके लिए मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।